विधायक सचिन यादव द्वारा IDFC बैंक द्वारा प्रदान की गई 10 लीटर ऑक्सीजन मशीन कसराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की गई। विधायक सचिन यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र कसराव का दौरा किया। इसमें उन्होंने कसराउत के विभिन्न वार्डों में जाकर महामारी के दौरान दिवंगत हुए लोगों के परिवारों से मिले और दिवंगतों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही लोगों की समस्या को भी सुना। इसी दौरान उन्होंने IDFC बैंक द्वारा प्रदान की गई 10 लीटर ऑक्सीजन मशीन कसराउत स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति को समर्पित किए। कसराउत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आज अस्पताल में फिर ऑक्सीजन मशीन भेजी, क्या कारण? देखिए, जिस प्रकार से हमारा पूरा देश और प्रदेश कोरोना की चपेट में आया और जिस प्रकार से हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या कोरोना से प्रभावित हुई है और उस स्थिति में जहां पर काफी लोग परेशान हुए और कई लोगों ने अपने निकट परिजनों को, रिश्तेदारों को खोया है और ऐसी परिस्थितियों में कसावत विधानसभा में हमने और हमारे तमाम साथियों ने एक अभियान हमने चलाया, जहां पर जन सहयोग के माध्यम से जो भी आवश्यक उपकरण जो कि कोरोना महामारी से लड़े लड़ने के लिए आवश्यक थे, वो सारे उपकरणों की व्यवस्था स्थापित करने का काम हमने किया। और आज इसी कड़ी में आज IDFC बैंक के द्वारा एक ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन जनरेटर जो है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो है भेंट किया गया है और निश्चित रूप से सब साथी मिलकर के जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी से मिलकर के लड़ेंगे और उसको हराने का काम करेंगे। निश्चित ही सर, आप ने जो काम किया सराहनीय है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कसराउत को लगभग 20 साल आगे पहुंचा दिया, इस तरीके से हम देखते हैं सर। लेकिन थोड़ा सा अगर शिक्षा के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाए कि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर शिक्षकों की कमी या शिक्षा के क्षेत्र पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। तो अगर देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्र विद्यालय है, केंद्र विद्यालय के जो बिल्डिंग की जो समस्या आ रही है वो समस्या मेरे संज्ञान में है और हमने केंद्र मंत्री को एक पत्र लिख करके शीघ्र जो यहाँ पर भवन निर्माण हो उसके लिए राशि जो है देने के लिए हमने बात की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।